वेलकम बैक गाइस, आज का वीडियो इतना शानदार होने वाला है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। मेरा 40 पॉइंट रहने से ही स्प्लिट प्राइज का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मैं स्प्लिट प्राइज नहीं करूंगा, मैं फास्ट होके दिखाऊंगा। यहाँ पे पूरा में लगाया हो, मैं दो बार डिक्लेयर करूंगा मैं फास्ट आ जाऊंगा। पहले देखो जोकर बिल्कुल भी नहीं आया था, इसलिए मैं ड्रॉप कर दिया। इस बार देखो क्या हुआ है, चार जोकर चार एक भी नहीं आया है, लेकिन एक जोकर आया है। पियो सिक्वेंस तो एक भी नहीं है, चिड़िया पांच आ सकता है या फिर हुकुम का आठ। हुकुम का आठ आ जाने से मेरा पियो सिक्वेंस बन सकता है। हुकुम का चार तो नहीं आएगा क्योंकि जोकर है। मेरे को 100 पॉइंट से आगे नहीं जाना है क्योंकि ये पूर्णमी है। 100 पॉइंट से आगे चला जाऊंगा तो आउट हो जाऊंगा। ये खेलने जैसा पत्ता नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं है। पियो सिक्वेंस रहता तो मैं खेल सकता था, लेकिन अभी मैं नहीं खेलूंगा। अगर एक पियो सिक्वेंस मिल जाए तो मैं खेल सकता था। हुकुम का आठ अगर मिल जाए, या फिर चार तो नहीं मिलेगा, हुकुम का आठ मिल जाए तो ही मैं खेलने वाला हूँ, नहीं तो नहीं खेलूंगा। ये टेबल अगर किसी ने डिक्लेयर कर दिया और मेरा 80 पॉइंट हो गया तो मेरा टोटल 100 पॉइंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 100 पॉइंट हो जाने से मेरा और ड्रॉप देने का पॉइंट नहीं रहेगा। इसने चिड़ी का तीन फेंका है, तीन लेके फायदा नहीं होगा, पियो सिक्वेंस नहीं बन रहा है, तो फिर मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि रिक्स नहीं लेना है। मेरे पास एक ही जोकर है, सिर्फ एक जोकर लेके क्या करूंगा। यहाँ से मेरा गेम स्टार्ट होता है। अभी पॉइंट देखो सबका, एक के पास है 80, एक तो आउट हो गया, 100 से ज्यादा हो गया। एक के पास है 58 और एक के पास 20 और 42, मेरा है 40 और जिसके पास 25 है वो फास्ट है। अभी छः जोकर, छः देखो आया है, एक छः आया है, पियो सिक्वेंस भी आया है, पान का 7 8 9 पियो सिक्वेंस, उसके बाद पाँच का सेट बन सकता है। छः आया है, छः को यहीं रहने देता हूँ चिड़ी का पत्ता के साथ, और फिर हुकुम का 9 मिल जाने से ये भी एक पियो सिक्वेंस बन सकता है। अभी मेरे पास तीन पत्ता एक्स्ट्रा है, पाँच इसने ड्रॉप कर दिया, पाँच को मैं ले लेता हूँ। अभी मैं एक्का को फेंक देता हूँ, इनका बादशाह ये भी कोई काम का नहीं है, इसको भी फेंकने वाला हूँ। अभी देखता हूँ क्या मिलता है। हुकुम का अगर 9 मिल जाए तो यहाँ पे एक सिक्वेंस बन जाएगा या फिर एक जोकर। इसने क्या फेंकेगा मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को हुकुम का 9 चाहिए। 9 मिल जाने से एक सीक्वेंस मेरा बन जाएगा। देखता हूँ, 5 मिल चुका है, 5 को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, सेट बन गया 5 का। अभी मैं बादशाह को फेंक देता हूँ और एक पत्ता जरूरत है, एक पत्ता मिल जाने से हो जाएगा। 9 या फिर एक जोकर मिल जाने से भी हो सकता है। यहाँ पे चिड़ी का 10 मिल जाने से भी हो जाएगा, जोकर फ्री हो जाएगा, इधर डाल दूंगा। आप लोग हमेशा याद रखना, 4 तसों का या 3 तसों का ही सेट बनता है, 6 तसों का सेट नहीं बनेगा। कैसे मैं बता देता हूँ। पाँच का देखो, पाँच का चार तास है, चार तासों का सेट बना है। यहाँ पे एक जोकर दे के मैं सेट नहीं बनाऊंगा तो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, ये याद रखना। अभी देखता हूँ क्या मिलता है। 9 फेंक दे, 9 का 4 फेंक चुका है, 4 को लेके फायदा नहीं होगा, फिर से 4 आ चुका है। अभी मैं 10 को फेंकता हूँ, हुकुम का 10, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया, किसी और ने डिक्लेयर कर देगा तो ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा। 10 को फेंक दिया लेकिन इसने उठा लिया, इक्का तो मैंने ही फेंका था, इक्का को नहीं उठाया, और गुलाम भी गिर चुका है लेकिन 10 को उठा लिया, ठीक है कोई बात नहीं। इस बार ध्यान रखना है कि 8 को नहीं फेंकना है, 8 फेंकूंगा तो उठा सकता है। मेरे को एक पत्ता चाहिए था लेकिन नहीं मिला, इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। इस बार मेरा पॉइंट हुआ है 16, मैं डिक्लेयर करता हूँ, टोटल हो गया 40 था, 56 हुआ है मेरा पॉइंट, 71 इक्का हुआ है। इसका देखता हूँ कितना होता है, 27, मतलब दो लोगों का 100 से ज़्यादा पॉइंट हो चुका है, आउट हो गया। अभी हम लोग तीन हैं, मतलब स्प्लिट प्राइज का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मेरा अभी भी 2 ड्रॉप देने का रिमेनिंग है, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसे, और वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि एक के पास है 1 ड्रॉप्स रिमेनिंग और एक के पास है 3 ड्रॉप्स रिमेनिंग, मतलब किसी ने एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बार मेरे को 2 डिक्लेयर बैक टू बैक करना पड़ेगा तभी मैं फास्ट आ जाऊँगा, क्योंकि एक के पास है 25, जो फास्ट है उसको ज़्यादा पॉइंट होना चाहिए। अभी बैगम जोकर, बैगम तो आ चुका है, 6 7 8 नहीं है, पान का 8 यहाँ पे डाल देता हूँ, बैगम 10 गुलाम, बैगम बादशाह, 1 का सेट बन सकता है और 6 का सेट भी बन सकता है। इधर पान का 6 है और हुकुम का 6, अच्छा कार्ड आया है, जो डिक्लेयर कर सकता हूँ, शायद हो जाएगा, एक पियो सिक्वेंस मिल जाएगा तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। इन्होंने तो ड्रॉप कर चुका है चिड़ी का 10, लेके फायदा नहीं है, 2 मिल चुका है, 2 को लेके क्या करूँगा, 2 3 इक्का 2 3 हो सकता है, लेकिन गुलाम का अगर उठा लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको पत्ता उठाने नहीं देना है। और चिड़ी का हुकुम का 6, हुकुम का 6 काम आ सकता है क्योंकि हुकुम का 6 का सेट बन सकता है, या फिर पान का 4 है, 4 5 6 भी हो सकता है, एक सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस बनाना पड़ेगा पहले, 2 2 काम का नहीं है, फिर से जोकर यहीं रहने देता हूँ। अभी मैं गुलाम को फेंक देता हूँ क्योंकि 4 5 6 भी हो सकता है और 6 का सेट भी बन सकता है। एक पत्ता मिल जाने से मैं डिक्लेयर कर दूंगा, एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता दे दे हो जाएगा। पान का पत्ता मिल सकता है क्योंकि 5 और 8 चाहिए मेरे को, फिर से 10 10 गुलाम बैगम हो सकता था लेकिन गुलाम को मैंने फेंक दिया, ठीक है कोई बात नहीं, एक पत्ता चाहिए मेरे को, हो जाएगा शायद, देखता हूँ क्या मिलता है। इस बार उसने डिक्लेयर कर दिया तो मैं 100 से ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा, डायरेक्ट आउट हो जाऊँगा।
आठ मिल चुका है, अभी हो गया 7, 8, 9 पीएस सिक्वेंस जोकर को इधर डाल दिया। अभी हुकुम का 6 देके मैं डिग्ला गिरता हूँ, 6 का सेट भी बना सकता था लेकिन 6 देके मैं फिनिश कर देता हूँ। उसका 25 था, अभी देखता हूँ कितना पॉइंट हो रहा है उसका, ज़्यादा पॉइंट होना चाहिए क्योंकि मेरा 56 है। वेटिंग, जो फास्ट था अभी लास्ट हो गया क्योंकि उसका 67 पॉइंट हो गया, टोटल हो गया 92 और मेरा 56 है, मैं फास्ट हो चुका हूँ अभी। और जो सेकंड है 82, मैं स्प्लिट प्राइज ऑप्शन यस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा अभी भी 2 ड्रॉप देने का पॉइंट रिमेनिंग है, उन लोगों का एक भी ड्रॉप रिमेनिंग नहीं है, मतलब वो लोग एक्सेप्ट कर सकता है, मेरा एक्सेप्ट करना सही नहीं है क्योंकि अभी भी मैं खेल सकता हूँ, ड्रॉप दे सकता हूँ, खेल सकता हूँ। अभी देखता हूँ क्या होता है। 6 जोकर तो आ चुका है, प्योर सिक्वेंस भी है, इस बार देखता हूँ वो लोग क्या खेलेगा या नहीं। 8, 9, 10 इनका ये मेरा प्योर सिक्वेंस हो गया और इनका बेगम बादशाह के साथ एक जोकर डाल दिया और यहाँ पे अभी गुलाम मिल चुका है, गुलाम को ले लेता हूँ, ये मेरा और एक प्योर सिक्वेंस हो गया। अभी थोड़ा सा पत्ता इधर उधर करता हूँ, अभी मैं 2 को फेंकता हूँ क्योंकि और एक पत्ता मिल जाने से यहाँ पे काम आ जाएगा। अभी 5 और 6 किसको फेंको बताओ, 2 को फेंक देता हूँ क्योंकि 5 का काम आ सकता है, 2 को फेंक देता हूँ ठीक है। उन दो लोगों को तो खेलना ही पड़ेगा क्योंकि ड्रॉप देने का पॉइंट नहीं है उन लोगों के पास, इस बार अगर मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो दोनों आउट हो जाएगा, अगर ज़्यादा पॉइंट हो गया तो आउट हो जाएगा। अभी देखता हूँ, और एक पत्ता जरूरत है, एक पत्ता मिल जाने से मेरा हो जाएगा। अभी देखो कैसे करता हूँ, 9 का सेट बन जाएगा, हो गया आउट हो जाएगा दोनों। अभी देखो 9 को ले लेता हूँ, 10 को इधर करता हूँ, 10 गुलाम बेगम बादशाह 9 को लेके 9 का सेट बना देता हूँ, 9 को लेके यहाँ पे 9 का सेट बन गया। अभी 5 देके मैं डिक्लेयर करता हूँ, प्योर सिक्वेंस भी है, सिक्वेंस भी है और सेट भी है। अभी 5 फ्री हो गया, 5 को देके मैं फिनिश करता हूँ। अभी देखता हूँ शायद आउट हो जाएगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा पॉइंट है, 48 मतलब ये आउट हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया। और इसको एक बार देख लेता हूँ कितना पॉइंट हो रहे हैं, 80 मतलब ये भी आउट हो गया, मैं फास्ट हो चुका हूँ। आप लोगों को अगर रामी सर्कल में रामी खेलना हो तो टेलीग्राम में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस, और किसी ने नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के लिए एक तो लाइक तो बनता है, लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइस, टेक केयर।